हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं 61 पैसे का स्टॉक मेगा कॉर्पोरेशन शेयर का नाम है। बाय करने से पहले वीडियो को देख लेना। बजाज फाइनेंस में अगर पैसा लगाया है तो 100 रुपये छोटी सी अमाउंट इसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देख के जाना, डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। लास्ट में चार्ट भी मेरा, उसको पक्का देख के जाना। उसके बेसिस में आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी आपसे बोल सकते हो, छोटा सा एक स्टॉप लॉस है। वैसे 60 पैसे का स्टॉक है, स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। उससे आपकी लर्निंग हो सकती है, जो स्टॉप लॉस आपको मैं देता हूँ उससे आपकी लर्निंग हो सकती है, ताकि अगर आप खुद के स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है ये आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं 61 पैसे का स्टॉक। आप ये भी बोल सकते हो कि पेन स्टॉक बिलो 1 रुपीज, यस, और बेस्ट पेन स्टॉक टू बाय टुडे हो सकता है, ठीक है, जो आपको एक अच्छी रिटर्न देके जा सकता है फ्यूचर में, राइट। तो आपको एटलीस्ट स्टॉक को 2 या 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी अच्छी खासी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इतनी प्रॉफिटेबल है, डेफिनेटली आप स्टॉक को रडार में रख सकते हो। काफी पुरानी कंपनी है ये, ठीक। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने खोला हुआ मेगा कॉर्पोरेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी काफी पुरानी है, ठीक है, 1985 में कंपनी फाउंड की गई थी, मतलब काफी पुरानी कंपनी है, तो ट्रस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों देख सकते हो, ये एक तरह की बजाज फाइनेंस जो काम करती है, सिमिलर काम करती है, मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये चलते स्टॉक के इन डेप्थ रिव्यू की, इसमें और क्या अच्छा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है, कंपनी ओनली BSE में लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो 6.4 करोड़ के आसपास का है, और करंट प्राइस चल रहा है 64 पैसे, और आज स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सर आपके जो पैन स्टॉक होते हैं हम बाय नहीं कर पाते। दोस्तों ये डेफिनेटली ये स्टॉक आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक लोअर सर्किट में है। जो स्टॉक लोअर सर्किट में होता है वो डेफिनेटली बाय हो जाता है, ठीक है। हाई लो अगर आप देखते हो तो 97 पैसे 29 पैसे के आसपास का है। और दोस्तों स्टॉक का जो पी है वो 10.08 के आसपास है, और जो स्टॉक पी है वो काफ़ी महंगा है, मतलब स्टॉक का प्राइस 60 पैसे से अभी हॉट थोड़ा मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकता है। अगर ये स्टॉक आपको 40 पैसे 45 पैसे के आसपास मिलता है तो एक अच्छी बैट ये हो सकती है, क्योंकि स्टॉक पी इसका ही महंगा है, ठीक है। इसकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से स्टॉक भी काफ़ी महंगा है, और बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी सस्ते में भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं स्टॉक में और क्या अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने पीयर कंपैरिजन खोल रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिमिलर बिजनेस है इसका, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का है। तो डेफिनेटली अगर आपने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को स्टॉक को बाय करा हुआ, तो 100 रुपये या 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें भी आप लगा सकते हो अपनी जेब के अकॉर्डिंग। अब वो अमाउंट आप खुद डिसाइड कर लो कि कितना हो सकता है, तो डेफिनेटली इसमें भी आप पैसा लगा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं, इस पैनी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल रखे तो आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है, इसके दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये का लॉस हुआ है। सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी को ऑलमोस्ट 23 लाख का प्रॉफिट था। तो मतलब देख सकते हो दोस्तों, कभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कभी प्रॉफिटेबल कंपनी, जो डेट जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है उसके हिसाब से इसके प्रॉफिट ठीक ठाक है, ठीक है। इतने लाजवाब नहीं है, शानदार नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 60 पैसे के आसपास। फ्यूचर में अगर कोई कंपनी इसको टेक ओवर करती है या फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूँ ईयरली रिजल्ट्स की, तो ईयरली रिजल्ट्स में इसके अच्छे खासे प्रॉफिट शो होते हैं कभी कभार, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में हमें करके चलनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको एक अच्छा ये रिटर्न देके जा सकता है फ्यूचर में। एटलीस्ट मुझे पता है कि आपका पैसा 0 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 0 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर लो, आप छोटा सा पैसा लगा के भूल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस में। तो दोस्तों देख सकते हो ईयरली बेसिस में इसको 2019 में प्रॉफिट हुआ था, 12 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। और मार्च 2020 में इसको 9 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। और दोस्तों देखिए, जो अभी TTM चल रहा है इसको ऑलमोस्ट 18 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब इसका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो इसका FY21 का प्रॉफिट है, वो उसके लास्ट 2 सालों से बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली दोस्तों उसको हम रडार में रख सकते हैं। अगर इस साल का जो FY21 का प्रॉफिट इसको 36 लाख या 40 लाख के आसपास हो जाता है, तो डेफिनेटली FY2020 एक अच्छा ये रिजल्ट दे सकता है। कंपनी की सेल्स में एक अच्छी खासी
इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है लगातार मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक, तो हम स्टॉक को रडार में रख सकते हैं। अब लेके चलते हैं स्टॉक के कैश फ्लो की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हो कंपनी के पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ कैश फ्लो है, तो डेफिनेटली हम रडार में रख सकते हैं। कुछ ना कुछ मतलब एटलीस्ट माइनस पे तो नहीं है ना, कंपनी के पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो मेंटेन है। और दोस्तों देखते हैं कंपनी के बारे में क्या क्या अच्छा है। तो देख सकते हो मैंने सिक्योरिटी पैटर्न खुला हुआ है, और दोस्तों ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा पसंद आ रहा है पर्सनली, उसका एक रीजन दोस्तों ये है, इसका सिक्योरिटी पैटर्न। कंपनी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो स्टॉक आपका 20 पैसे 30 पैसे का लो लगाया था स्टॉक ने, और 3 रुपए तक गया था स्टॉक, ठीक है। वहां तक जाने के बावजूद भी कंपनी के जो प्रमोटर्स है मालिक है उन्होंने अपनी जो उनकी जो शेयर्स है उन्होंने बेचे नहीं है, मतलब कंपनी के जो मालिक है उनको बिलीव है कि स्टॉक का प्राइस 3 रुपए जब गया था तो इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। अगर उनको ये बिलीव है तो हमें भी थोड़ा फेथ रखना चाहिए। अगर स्टॉक आपका 40 पैसे 60 पैसे के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। और जो 2 रुपए का हाई से लगाया था लास्ट टाइम वो डेफिनेटली एक बार टेस्ट कर सकता है ये इसके मालिक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं दोस्तों, देखिए मालिक की जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट 54% के आसपास है। मैंने आज तक ऐसा कोई पैनी स्टॉक नहीं देखा जिसकी होल्डिंग 54% मालिक होल्ड कर रहे हो मालिक, और 1 रुपए का प्लेज नहीं है, वो लो प्लेज होल्डिंग में आती है। तो डेफिनेटली स्टॉक पे हम थोड़ा पैसा लगा के भूल सकते हैं, क्योंकि तो क्योंकि प्रमोटर्स का फेथ है स्टॉक में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक को डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए। एज पर टिकट टैप एंट्री पॉइंट आपको काफी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 2 रुपए से आपका 60 पैसे आया, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से काफी कंपनी काफी लाजवाब और शानदार है। बाकी अब और आगे देखते हैं कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उसके फंडामेंटल एनालिसिस मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो दोस्तों थोड़ा कंपनी में डेट है, ठीक है, उसके वजह से थोड़ा इसको प्रॉफिट्स के कम होते हैं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से अगर आप नीचे के लेवल से स्टॉक को बाय करके होल्ड करते हो ना, तब जब स्टॉक की न्यूज आउट होगी, जब स्टॉक के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब आपको स्टॉक शायद ना मिले, क्योंकि जब स्टॉक एक बार अपर सर्किट लगता है तो वो किसी को नहीं मिल पाता है। आपको याद होगा पीएमसी फिनकॉर्प, वो स्टॉक भी सिमिलर इसी की कैटेगरी का स्टॉक है, ठीक है। वो स्टॉक भी आपका जब 30 पैसे 35 पैसे था, तो तब उस स्टॉक को कोई बाय नहीं करता था, ठीक है। 1-2 साल तक वो स्टॉक आपका 30 पैसे और 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा, लेकिन जैसे ही उसके जब प्रॉफिट आना स्टार्ट हुए, तो इस बार के जो उसके प्रॉफिट है दिसंबर 2020 के 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को, और वो स्टॉक अभी तक किसी को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप स्टॉक को लोअर सर्किट में बाय कर लो, ठीक है, होल्ड कर लो, ज्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाना। मैं खुद ही कह रहा हूं ज्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाना, छोटा सा अमाउंट लाके भूल जाओ, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, ठीक है। बाकी अब आगे लेके चलता हूं कंपनी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये मैंने खोला हुआ इसका चार्ट, चार्ट भी मेरा देख लीजिए आप, ये मैंने खोला हुआ अभी वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट मैंने कुछ लाइन प्लॉट कर रखी है, ऐसा इसका देख सकते हो अभी 50 के ऊपर है, मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा ज्यादा ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ठीक है। अब मैंने कुछ ये 1-2-3-4 मार्क कर रखा है, इसका मतलब क्या है आपको एक बार समझा देता हूं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये L1 है, मतलब ये लोअर L1 है, ये L2 है, ये L3 है, मतलब कंपनी लगातार लोअर हाइस का पैटर्न बना रही है। मतलब कंपनी जो लगातार कुछ सालों से लो बना रही थी वो लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, वो इनटेक है, मतलब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये तीनों और ये चौथा देख सकते हो ये रहा, और पांचवा मुझे लगता है यहाँ कहीं बन सकता है जो निकल के आता 40 पैसे के आसपास, ठीक है। पांचवा जो सपोर्ट लेगा मुझे लगता है 40 पैसे और 45 पैसे के आसपास डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न बोल रहा है कि 45 पैसे के आसपास इसको डेफिनेटली सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट पैटर्न बोल रहा है। तो मुझे पर्सनली बिलीव है कि स्टॉक एक बार 45 पैसे 40 पैसे सपोर्ट लेके एक यूटर्न लिखा सकता है आपको, जहां से आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है मुझे तो पर्सनली। और अगर बात करें तो मंथली भी सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है, स्टॉक लगातार अपना सपोर्ट है जो नीचे का लो है तो तोड़ नहीं पा रहा है। ये L1 है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ का ये सपोर्ट L4 और यहाँ का अब ये L5 लेगा, मतलब चौथा लो बना के ये ऊपर जाएगा फिर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो लेगा 40 पैसे या 40 पैसे भी हो सकता है, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ 40 पैसे से 45 पैसे के आसपास भी ले सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक का बढ़ावा रखो, स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी गजब है, डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न देके जा सकता है और बेस्ट मल्टीवैगर स्टॉक 2021 एंड 2025 हो सकता है। भाई डेफिनेटली पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपीज डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए, और ये बेस्ट पैनी स्टॉक टू बाय टूडे होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म हो सकता है। बाकी भाई वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। शेयर कहाँ करोगे, ट्विटर में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो। बाकी जय हिंद।